दंतेवाड़ा से जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र के हिरौली के जंगल में हुई। कार्रवाई के दौरान डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में बलंगीर एलओएस सदस्य हार्डकोर नक्सली गुड्डी को मार गिराया है। पुलिस ने नक्सली से एक पिस्टल भी बरामद की है। यह पिस्टल इस नक्सली पर मौजूद थी। नक्सली पर 40 से अधिक नक्सल प्रकरणों में यह नामजद था। साथ ही विधायक भीमा मंडावी की हत्याकांड में भी यह शामिल रहा था। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से जहां पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? हालांकि अभी तो मुठभेड़ बंद हो गई है, लेकिन इस मुठभेड़ में जो नक्सली मारा गया है काफी कुख्यात बताया जाता है। गुड्डी नाम है इसका। मलंगीर एरिया पड़ता है यहाँ पर दंतेवाड़ा जिले में। इस पर यह सक्रिय रूप से काम करता था और किरंदुल थाने में इसके ऊपर में 23 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं और डीआरजी के जवानों ने कार्रवाई को की है। कार्रवाई में एक 9 mm की पिस्टल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि डीआरजी जो हिरोली का जो इलाका है, हिरोली गुनियापाल का, ये काफी संवेदनशील इलाका है और नक्सलियों का ये बैठक के तरीके से नक्सली इसके इस्तेमाल करते हैं। इसे जवानों की जो छोटी स्मॉल एक्शन टीम होती है सटीक सूचनाओं पर गई हुई थी, तब डीआरजी के जवानों ने सफलता हासिल की। जी पंकज, जिस तरह से मुठभेड़ हुई, क्या कुछ और नक्सलियों के घायल होने की कोई खबर? अभी तक तो नक्सलियों के किसी घायल होने की खबर नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी इसलिए निकल के आ रही है कि 25 से 30 नक्सली मौजूद थे और डीआरजी के जवानों ने उन्हें पिन पॉइंट लोकेशन पर यह हमला किया था, जिससे ये हथियार बरामद हुआ है। और हथियार बरामद होने के बाद में शव को लेकर के दंतेवाड़ा जिले में सिटी कोतवाली में जवान पहुंच रहे हैं। इसके बाद ही आगे की अपडेट मिलेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पंकज। वहीं डिंडौरी जिले के